भाजयुमो शिमला मंडल का प्रशिक्षण शिविर खलीनी में भाजयुमो मंडल अध्यक्ष हितेश शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण शिविर में अनेकों विषयों को लेकर वक्ताओं द्वारा विस्तृत चर्चा की गई। इस वर्ग में प्रथम सत्र को भाजपा सह मीडिया प्रभारी करण नंदा और दूसरे सत्र को भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष अमित ठाकुर ने संबोधित किया। भाजयुमो शिमला मंडल का प्रशिक्षण शिविर शिमला में आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रथम सत्र में भाजपा सह मीडिया प्रभारी करण नंदा और दूसरे सत्र में भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष अमित ठाकुर उपस्थित रहे। इस मौके पर भाजपा सह मीडिया प्रभारी करण नंदा ने कहा कि वर्तमान काल में एक पार्टी के लिए सोशल मीडिया का सदुपयोग अति महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया के माध्यम से कई राजनीतिक दल जनता में भ्रांतियां फैलाने का प्रयास करते हैं, जिसका भाजपा धरातल पर मुकाबला करेगी। आज शिमला मंडल का ये दो दिवसीय अभ्यास वर्ग जो है यहाँ पे खलीनी मेगा मिनी सेंटर में जो है आयोजित किया जा रहा है, जिसका आज दूसरा दिवस है। 25, 26, 27 मार्च को ये प्रदेश अभ्यास वर्ग जो है सोलन में आयोजित किया गया था, जिसमें माननीय सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान तेजस्वी सूर्या जी ने जो है इसकी शुरुआत की थी सोलन से। और आज ये पूरे प्रदेश में जो है विभिन्न जो है डेट्स को जो है ये किया जा रहा है, और आज शिमला मंडल में जो है इसका जो है आयोजन किया जा रहा है, जिसका दूसरा दिवस है। अभ्यास वर्ग के माध्यम से कार्यकर्ता का निर्माण है वो किया जाता है, और इसमें संगठन की जो गतिविधियां हैं, संगठन किस प्रकार संगठन का प्रारूप होता है, संगठन किस प्रकार जो है आगे अपना काम करता है, उन सभी के बारे में जो है ये सूचना भी दी जाती है और उसका प्रारूप जो है वो तय किया जाता है। देखिए, ये एक अभ्यास वर्ग है, और भारतीय जनता पार्टी जो कि पूरी दुनिया की सबसे जो है लार्जेस्ट पार्टी है, इसी पार्टी का जो है परिपक्व ये दोहराता है कि सिर्फ और सिर्फ इसी पार्टी में अभ्यास वर्ग जैसी जो है ये कार्यकर्ता निर्माण करने के लिए इस तरीके से जो है आयोजित किया जाता है, और मुझे नहीं लगता कि किसी और पार्टी में इस तरीके का जो है एक सिस्टम है जो भारतीय जनता पार्टी में है। इस अभ्यास वर्ग के माध्यम से जो है आपको कार्यकर्ताओं को किस तरीके से निष्ठा से और जो है डेडिकेशन से काम करना चाहिए, उस चीज़ के बारे में जो यहाँ पे बताया जाता है। और साथ ही आज जो है यहाँ पे जो आगामी चुनाव है, कॉर्पोरेशन है और विधानसभा के जो हमारे चुनाव आने वाले हैं, उसके बारे में जो है वो भी चर्चा मन में लाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला। आर्मी की तरफ से नए सेशन की शुरुआत हो गई है, तो जो एडमिशन प्रोसेस है वो 1 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक हमारा चलेगा। इस बार एडमिशन के लिए हमने स्पॉट टेस्ट रखे हैं, जो किसी वर्किंग डे को आपके बच्चे जो हैं वो हमारे पास टेस्ट दे सकते हैं। और इसके साथ हमारे पास जो फैसिलिटीज़ रहेंगी वो बॉयज़ गर्ल्स के लिए हॉस्टल सेपरेट रहता है, और साथ ही कुछ जो रूट्स हमारे ट्रांसपोर्ट के रहते हैं वो जो पुराने रूट्स सभी चल रहे हैं, लेकिन उनके साथ कुछ नए रूट्स भी हम जोड़ रहे हैं, तो वो हमारी वेबसाइट पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जितना भी एडमिशन से रिलेटेड किसी को क्वेरी हो तो हमारी वेबसाइट है minervaeducation.org, उसके ऊपर जाके अपनी क्वेरी देख सकते हैं। तो मैं सभी से आग्रह करूँगा कि जितना जल्दी हो सके अपने एडमिशन प्रोसेस को कम्प्लीट करवाएँ, ताकि नया सेशन एकदम से हम पूरे टाइम पर शुरू